दादी की जो बाबा के प्रति प्रेम की भावना थी और निश्चय था बहुत ही मजबूत था, जी क्योंकि 86 में जब बाबा पहले ही जीवन परिवर्तन का अनुभव कर रहे थे, जी तो दादी बगीचे में पैदल कर रही थी जी अपने पिताजी के साथ, और जी सामने से देखा कि दादा लेखरा जा रहे हैं, जी तो पहचान थी परिवार के संबंध से। तो इस बार ऐसे उसको नहीं अनुभव हुआ कि ये मैं साधारण व्यक्ति देख रही हूँ, उसको लाइट नजर आई। जी और उस घड़ी से लेकर उसको ये विश्वास था कि ये जो दादा है वो शिव बाबा का माध्यम है, और जी शिव बाबा इन्हों के द्वारा हमें ज्ञान शिक्षा दे रहे। तो जी ये तो फर्स्ट दिन से ही दादी को विश्वास हो गया। जी और फिर हाँ, जैसे हिसाब किताब था, कुछ समय दादी को लगा, फिर 18 मास के बाद दादी आकर के ओम मंडली में पहुंची। जी तब तक ओम मंडली कराची में पहुंच गई थी, तो बहुत ही प्यार से बाबा ने उसका स्वागत किया। और फिर दादी ने बाबा से प्रश्न पूछा, मैं क्या पुरुषार्थ करूं जो मैं आगे जा सकूं? तो बाबा ने कहा, जो भी बाबा की मुरलियाँ चल चुकी है, वो तुमने जो मिस की है, तुम एक एक मुरली को 6-6 बारी पढ़ो। और जी दिन भर का सेवा का प्रोग्राम बना हुआ था हर एक का, तो दादी वो सेवा में व्यस्त होती थी। फिर रात्रि के समय जैसे बच्चों का डेस्क और कुर्सी बेंच इकट्ठा जी होता है ना, जी 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 तो वो उनके पास थे, स्टूडेंट लाइफ थी, जी तो दादी रात्रि को वहाँ बैठती थी और बैठ करके मुरली स्टडी करती थी। जी तो 6 मास तक दादी बेड में नहीं गई सोने के लिए। जी जिस घड़ी थोड़ी नींद आती थी तो बाएं ऐसे करके सिर उस पर रख करके 15 मिनट 20 मिनट दादी आराम कर लेती थी, फिर दादी स्टडी करती थी। जी तो मैं समझती 6 बारी तो क्या, दादी हर मुरली को कम से कम 21 बारी पढ़ी होंगी। जी तो दादी को था कि मैं मेकअप कर लूँ लॉस्ट टाइम। तो दादी को ये बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं ऐसे स्टडी करूँ जो मेरे मन में और कुछ भी बात न रहे, परमात्मा का सत्य ज्ञान रहे और उसका मंथन मैं करूँ, और बस वही हमारे परमात्मा की याद मुझे दिलाएगा, तो मुझे परमात्मा की याद सदा साथ होंगी। जी तो दादी का ये जो ज्ञान की स्टडी पर अटेंशन और जी साथ साथ योग लगाने का उमंग, ये दोनों बातें जीवन भर हमने लास्ट तक देखी।